الرحيم लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम उस हस्ती पर जिसके लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा। अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ लोगो, आप भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो। एजे कश्मीरी चैनल देखने वाले सभी दोस्तों और बुज़ुर्गों को एजे का सलाम। आज एक नए व्लॉग, एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुंतकाल जौफ में मौजूद फार्म के जदीद आबपाशन सिस्टम से आपको मुतारफ़ कराऊंगा। तफसील से व्लॉग इंशाल्लाह बाद में बनाऊंगा, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हमारा काम जो है वो हाइल में मज़ारे अलबीतर जो है अबीतर फार्म्स हैं वहाँ पर रुका हुआ है। वहाँ रुका हुआ तो नहीं है, वहाँ पर आदमी हैं, लेकिन मेरे जाने से वो सिस्टम, वो निज़ाम थोड़ा तेज़ हो जाएगा, जल्दी काम हो जाएगा। और फिर इसके बाद स्टील जो है वो यहाँ का तैयार हो रहा है जद्दा में, वो भी पहुँच जाएगा। इतनी देर में हम लोग जो हैं वहीं पर काम करेंगे, क्योंकि ये नज़दीक है। जद्दा यहाँ से 1500 किलोमीटर है और हाइल यहाँ से तकरीबन 900 किलोमीटर है। जो मज़ारे लबीतर हैं वो यहाँ से तकरीबन 600 किलोमीटर है, सॉरी 900 नहीं है, 600 किलोमीटर है। जद्दा जो है जद्दा से हाल 900 किलोमीटर। ये जदीद आबपाशी निज़ाम है, यहाँ पर ये 10-10 पीस हैं। एक पाइप की लंबाई जो है वो तकरीबन 30 मीटर है, तकरीबन नहीं एग्जैक्ट 30 मीटर है। और यहाँ पर एक सिस्टम में तकरीबन 7 पाइप भी लगे हुए हैं, 8 भी, 9 भी और 10 भी। यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है उसमें 10 पाइप लगे हुए हैं। ये यहाँ पर हमने जो है टेम्पलेट्स जो हैं वो एक्शन किए हैं, लगाए हैं, इंस्टॉल किए हैं। ये निज़ाम यहाँ पर इन्होंने लगाया हुआ, पूरा जदीद सिस्टम है। जनरेटर से ये काम करते हैं, बड़े बड़े जनरेटर यहाँ पर लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो है वो बोर किया हुआ है, तकरीबन 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच और 12-12 इंच के पाइप लगे हुए हैं जो मेन ट्यूबवेल है उसमें। और वहीं से ये सारा सिस्टम चलता है। वहाँ पर बड़े जनरेटर लगे हुए हैं, वहीं से बिजली जनरेट की जाती है, जिससे ये पूरा सिस्टम जो है वो चलता है। बिजली भी हुकूमत की तरफ से दी गई है, लेकिन ज़्यादा निज़ाम जो है वो जनरेटरों पर ही चल रहा है। बिजली से यहाँ पर निज़ाम नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि बिजली शायद कम है या वो पूरा नहीं कर सकती, लेकिन सिस्टम बहुत अच्छा है। कम वक्त में ज़्यादा पानी दिया जा सकता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग जो है वो सफ़र करने वाले हैं, इसलिए मेरे कुलीग्स जो हैं उन्होंने कुछ अंगूर ले लिया है खाने के लिए, और हाइल के लड़कों के लिए हम अलग से अंगूर लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अभी हमारा सफ़र जो है ये खाने के बाद शुरू हो जाएगा। जी, तो अभी हमने सफ़र शुरू कर दिया। अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, यहाँ से सफ़र का आगाज़ करते हैं। इंशाल्लाह रात को हमें उम्मीद है कि हम लोग जो हैं वो हाइल में पहुँच जाएंगे। अभी यहाँ पर जो है वो टाइम तकरीबन हो गया है 1:00 टाइम है, और यहाँ से हम लोग जो हैं वो निकल गए हैं। तो शाम को हम लोग जो हैं पूरी उम्मीद है हमें कि 6-7 घंटों में हम लोग जो हैं वो हाइल से आगे है तकरीबन 120 किलोमीटर अलकसीम रोड पर, वहाँ पर हमारा सफ़र जो है वो ख़त्म होगा। ये सफ़र की थोड़ी सी मैंने आपको डिटेल दे दी है। यहाँ पर एक खूबसूरत थाल फ्रूट का आर्टिफिशियल बना हुआ है बल्दिया की तरफ से। मैं ये छोटा सा वो भी वीडियो साथ ही अटैच करता जा रहा हूँ ताकि आप लोग देखें कितना खूबसूरत इन लोगों ने यहाँ की बल्दिया जो है उन्होंने बनाया हुआ है। खूबसूरत थाल है, उसमें मुख्तलिफ फ्रूट्स लगे हुए हैं, पूरा आर्टिफिशियल सिस्टम है। मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ तो मेरे साथ जो हैं वो मेरे कोलीग मिस्टर अंसर अब्बास जो हैं वो कैमरामैन के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।